थैंक्स टू प्रिंसिपल सर, टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस। हुआ, कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी जवाब सही देगा उसका नाम मैं अपने अगले वीडियो में अनाउंस करूंगी। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब किस किस ने दिया है। तो वो सवाल था, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब था जयपुर। और सही जवाब देने वाले हैं हिफॉप, साहिल डेविड और मैथ सोल्यूशन। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज की स्पीड कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 900 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास दिमाग नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेलीफिश। तो दोस्तों, जेलीफिश के पास दिमाग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नर्मदा नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स, स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बुलेंस शब्द हमेशा उल्टा ही क्यों लिखा होता है? इसका राइट आंसर है, दूसरी गाड़ी के शीशे पर सीधा दिखाई दे इसलिए। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हीरा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगी उसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यह क्वेश्चन है, नवाबों के शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।